हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिमी किचन। आज मैं आपके साथ व्रत में खाए जाने वाली नमकीन शेयर करने जा रही हूँ। कच्चे केले से बनी लच्छे वाली नमकीन खाने में टेस्टी, क्रिस्पी और दूसरी साबुदाने से बनी नमकीन जो खाने में मीठी लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी बनाना। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कच्चे केले लिए हैं। अब केले का छिलका नाइफ की हेल्प से अलग कर लेते हैं। सभी केले के छिलके हटा दिए हैं। अब इन्हें हमें कद्दूकस करना है, लेकिन पहले कद्दूकस करके नहीं रखना है। अब एक कढ़ाई में जो भी आप व्रत में ऑयल खाते हैं वो गरम कर लेंगे। अब इसमें केले को कद्दूकस करके डाल लेते हैं। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई रखना है और ऑयल तेज गरम होना चाहिए। एक ही टाइम पर ज़्यादा केले कद्दूकस करके नहीं डालने हैं। ज़्यादा केले डालने से वो आपस में चिपक जाएंगे। केले के लच्छों को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। अब इन्हें टिश्यू पेपर पर बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से सारे केले के लच्छे फ्राई कर लेंगे। अब ऑयल हमारा गर्म है। अब इसमें 50 ग्राम के करीब साबूदाना डाल लेते हैं। साबूदाना ऑयल में डालते ही फूलने लग जाएगा। 15 से 20 सेकंड के लिए साबूदाने को फ्राई करेंगे। अब साबूदाने को भी टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। अब एक पैन में 2 चम्मच घी गरम कर लेते हैं और ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट जो भी आप खाते हैं वो रोस्ट कर सकते हैं। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें मूंगफली भी रोस्ट कर लेते हैं और मूंगफली को रोस्ट होने में काजू और बादाम से ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इन्हें अलग से रोस्ट करेंगे। अब इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर लेते हैं और दोनों चीज़ों को रोस्ट कर लेते हैं। हमारी दोनों चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं। अब इन्हें भी हम टिश्यू पेपर पर बाहर निकाल लेते हैं। लास्ट में अब इसमें मखाना भी डाल लेते हैं। मखाना ज़्यादा घी या ऑयल में रोस्ट नहीं करना होता, क्योंकि मखाने में ऑयल फिल हो जाता है। अब मखाना भी हमारा रोस्ट हो चुका है। ये देखिए, इस तरीके से सारी चीज़ें नमकीन के लिए तैयार है। अब इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं। एक बोल में केले के लच्छे डालेंगे, साथ में थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट ऐड कर लेते हैं। अब इसमें आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक स्वाद अनुसार मिक्स कर लेते हैं। अब एक नमकीन हमारी बनके तैयार है। अब दूसरी नमकीन के लिए हम बोल में साबूदाना और ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। अब इसमें पिसी हुई 2 चम्मच चीनी या बूरा डाल लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अब हमारी दोनों तरीके से बनी हुई नमकीन तैयार है। ये रेसिपी प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और अपने एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।